Hello everybody, this is Melinder, life coach in the field of personal and spiritual growth. Today मेरा जो topic है वो है कि हम अपने mind का जो pattern है, हमारी जो mind की conditioning है, हमारी जो habits है, हमारी जो overthinking की habit है, उसको हम कैसे break करें। जी सिर्फ एक मेरा ही चैलेंज नहीं है, सभी लोग इस चैलेंज से गुजरते हैं, स्पेशली जो लोग मेडिटेशन की राह पर जा रहे हैं कि हम अपनी थॉट्स को कैसे मैनेज करें, हम अपने माइंड को कैसे मैनेज करें, हम अपने माइंड को कैसे ड्रॉप करें। मुझे बहुत सारे मैसेज भी आते हैं तो सेम क्वेश्चन रिपीट होता है कि थॉट्स हमें कंसंट्रेट नहीं करने देती। तो इसको सलूशन से पहले, क्योंकि मेरे हर वीडियो में मैं फोकस करती हूँ रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, अगर हम कोई सलूशन बाहर से उसको जबरदस्ती लेकर आते हैं और उसको हम उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमें रिजल्ट नहीं मिलने वाले, जब बहुत ही कम मिलने वाले हैं। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम को समझते हैं, उस कोई चीज़ की फंक्शन कैसे कर रही है, उसकी नेचर को समझते हैं, तो हम सलूशन को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज हम जो माइंड की नेचर है, जो उसकी नेचुरली जो नेचर है, उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हम उसके सलूशन की बात करते हैं। तो बेसिकली अगर माइंड को देखा जाए, हमारे पुराने वेदों में या एस्ट्रोलॉजी में, अगर आप लोग बिलीव करते हैं या अगर आप लोग नहीं भी बिलीव करते, जैसे पांच तत्व की मैंने बात की अपने पिछले वीडियोस में, तो माइंड को रिप्रेजेंट करता है मून, और मून सिंबलाइज है पानी का। आपने नोट किया होगा, जब मैं तो अक्सर देखती हूँ बिकॉज आई वर्क इन हॉस्पिटल, जिस दिन फुल मून होता है, वो लोग जिनका मन बहुत कमज़ोर होता है, जिनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती, फुल मून में वो लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, अग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, डिप्रेस्ड बिहेवियर हो जाता है, क्योंकि मून का पानी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, स्पेशली व्हेन इट्स अ फुल मून। एंड हमारी बॉडी में तो ऑलरेडी 70 से लेकर 72% पानी है, एंड पानी की नेचर है नीचे की तरफ जाना। बाय नेचर पानी बिना एफर्ट्स के कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाता, ऊपर की तरफ पानी को लेकर जाने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मोटर लगानी पड़ती है। तो फिर माइंड को कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिना डिसिप्लिन के, बिना ऑब्जर्वेशन के, बिना अवेयरनेस के, माइंड अपने आप ऊपर की तरफ जाने लगेगा, पॉजिटिविटी की तरफ जाने लगेगा, थॉट्स हमारी कम होने लगेंगी? नो, बिकॉज माइंड की ये नेचर नहीं है, माइंड की ये कंडीशनिंग नहीं है। और अगर हमें माइंड की ये इस कंडीशनिंग को चेंज करना है, इस नेचर को चेंज करना है, तो हमें एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी। हमें जैसे पानी को ऊपर के लेकर जाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है, तो हमें भी अपने माइंड को किसी ना किसी मोटर से लगाना पड़ेगा। तो वो मोटर सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन की हम बात करने वाले हैं जल्दी। तो जब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि माइंड की ऐसी नेचर है, ये अपने आप नहीं होने वाला, तो हम इतना इरिटेट नहीं होंगे, हमें गुस्सा नहीं आएगा कि क्यों हमारी जो थॉट्स है वो बार बार आ रही है जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, बिकॉज दिस इज द वे माइंड इज। तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो देर आर फ्यू सॉल्यूशंस जो काम करते हैं, जिनको मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने सीखा, प्रैक्टिस किया और मेरे लिए काम किया उन सॉल्यूशंस ने। तो एक्सरसाइज नंबर 1 इज, जब भी हमें
बहुत सारी थॉट्स आ रही हैं। अब मोस्टली हमारी थॉट्स, बहुत सारी थॉट्स तब आती है जब हमें नेगेटिविटी हो, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स बहुत कम आती है। अगेन एफर्ट्स करना पड़ता है, और एफर्ट्स हम करना नहीं चाहते, तो पॉजिटिव थॉट्स तो 1 2 3 होंगी मिनट में, लेकिन नेगेटिव थॉट्स 20 to 25 एवरेज। सो जब भी हमारी नेगेटिव थॉट्स आने लगे, अवेयरनेस के लिए होल्ड योर ब्रेथ, आपका अपनी सांस वहीं रोक दे। जिस वक्त आपको पता चले कि नेगेटिव थॉट्स आ रही है, आनी स्टार्ट हो गई है, तो होल्ड योर ब्रेथ एट दैट मोमेंट एंड कीप इट होल्ड। आप अपनी सांस को उसी वक्त रोक दें, और इतनी देर अपनी सांस को रोक कर रखें जितनी देर आपको लगे ना कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, अब आपको सांस लेनी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा कनेक्शन है वो टूट जाता है माइंड से, जब हम अपनी सांस रोकते हैं, क्योंकि हमें अब ऑक्सीजन की जरूरत है, तो माइंड हमें लगा देता है कि हमें अब ऑक्सीजन चाहिए। तो वो जो अननेसेसरी थॉट्स में माइंड एंगेज हुआ था, अब उसको ऐसे लगा कि देर से इमरजेंसी, तो मुझे ऑक्सीजन चाहिए, वो हमें डिस्कनेक्ट कर देगा उसी वक्त हमारी थॉट से। आप करके देखना, फिर आपको यकीन आएगा इस एक्सरसाइज पे। सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब भी हमें नेगेटिव थॉट्स आए, नेगेटिविटी आए, गुस्सा आए, तो उसी वक्त अपना जो ब्रेथ है उसको स्टॉप कर देना, सांस नहीं लेनी, और उस वक्त तक सांस नहीं लेनी जब तक हमें लगे ना कि अब हम सांस लेनी ही पड़ेगी। और फिर आप अपने माइंड को, अपने थॉट्स को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अगेन मेरा एक पहले वीडियो था पॉजिटिव एफर्मेशन के बारे में, तो आप अपने आप को उसी वक्त एफर्मेशन देने स्टार्ट कर सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं अपनी थॉट के लिए, तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जैसे आपको अगर नींद भी आ रही है कभी कभी, ये भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया, अगर आपको नींद आ रही है तो फिर आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ऐसे ही आप अपनी सांस को रोक दीजिए, तो आपके वो उसी पल जो नींद आ रही है वो डिले हो जाएगी। नींद तो आपको आएगी लेकिन वो काफी डिले हो जाएगी, उसी वक्त आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे तो अभी जहां ही सो जाना है। एंड जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वेरी कॉमन, आप सभी ने इसके बारे में सुना, लेकिन हम करते नहीं हैं, हम सुनते हैं कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम अपने गुस्से को पोस्टपोन कर सकते हैं। अगेन माइंड की कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, तो हम गुस्सा जब आता है हम खुद गुस्सा हो जाते हैं, उसमें हम फ्लो होने लगते हैं, उसमें बहने लगते हैं, तो हमें अपने आप को कहना है कि हाँ मैं गुस्सा करूंगा या करूंगी, लेकिन आज नहीं, अभी नहीं, कल करूंगी। तो जब हम कल पे पोस्टपोन कर देंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट है, मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो अभी रिएक्ट करना है, मुझे तो अभी रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे हमें हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। सो आप उस गुस्से को पोस्टपोन कर दें, और जब कल आपको याद आएगा कि ओ कल ऐसा हुआ था, तो तब तक हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो डिफरेंट हो चुकी होगी ऑलरेडी। और हमें पानी पीना चाहिए, ऐसा कहा जाता है या हमने सुना है कि अगर किसी को गुस्सा आ रहा होता है तो उसको कहते हैं कि सिट डाउन एंड ड्रिंक सम वाटर, क्योंकि अगेन वाटर हैज क्वालिटी, वाटर अगेन इसकी जो क्वालिटी है जो नीचे को जाता है, तो इसमें कैपेसिटी है कि हमें काम डाउन करता है। और भी काफी एक्सरसाइजेस है इस वीडियो में, आप जो दो दो तीन एक्सरसाइज मैंने बताई, आप इसको करके देखिए। आप अपने आप को एफर्मेशन देने स्टार्ट कीजिए उसी वक्त जब आपको लगे कि आपका जो थॉट्स का पैटर्न स्टार्ट हो गया, नेगेटिव थॉट्स का। एंड जो ब्रेथ होल्ड करने वाली एक्सरसाइज है, आप उसको प्लीज जरूर करके देखिए, आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और करने के बाद प्लीज गिव मी फीडबैक इन योर कॉमेंट्स कि आपको इससे कितना फायदा हुआ। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा होता है, अगर आपको वर्थ लगता है, तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल माइंड हिप्नोटिज्म, एंड माई फोन नंबर इज 001-236-7000।
7885266। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैसेज लिखकर अपना क्वेश्चन भेज देना। अगर मुझे उसका आंसर मालूम होगा तो मैं आपको आंसर दूंगी, अगर मुझे उसका आंसर मालूम नहीं होगा तो मैं रिसर्च करके खुद भी सीखूंगी और आपको भी उस जो जहाँ से मैंने रिसर्च किया मैं आपको भी बता दूंगी कि मैंने जहाँ से सीखा है आप इसको डीप रिसर्च कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी विद माई नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। हैव ए नाइस डे।